आई होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बहुत टाइम हो चुका है व्लॉग डाले और न्यू ईयर भी निकल गया, मेरा बर्थडे भी निकल गया, लोहड़ी भी निकल गई। तो आज है 15th of January और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे बिकॉज अभी हम लोग फ्री हो चुके हैं सभी कामों से, पार्टीज वगैरह बहुत हो चुकी हैं और अब काम करने का टाइम आ गया। तो अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, फिटनेस पे आएंगे, ट्रैवल के आएंगे, हर तरीके के व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं इस बार। तो अभी इन लास्ट कुछ वीक्स में जो भी हुआ है मैं आपको समरी दे देता हूँ और अब ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं और जो भी एक्सप्लोर करेंगे, जो भी फिटनेस आइडियाज़ मैं शेयर करूँगा, सब कुछ मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको वीडियो का अपडेट लगातार मिले। तो भाइयों अपना बर्थडे जो था वो काफ़ी अच्छा निकला और राकेश सर लेके आए थे केक और प्रिंस सर भी लेकर आए थे, तो काफ़ी अच्छा दिन बन गया और बहुत कुछ खास था नहीं बर्थडे को बिकॉज़ बर्थडे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता नहीं हूँ मैं, बट इस बार का बर्थडे काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और ये जनवरी का मंथ ऐसे ही होता है काफ़ी, मतलब कि न्यू ईयर पार्टी भी होती है, बर्थडे भी होता है, लोहड़ी भी होती है, तो उस बहुत अच्छा फेस्टिवल है लोहड़ी, मेरी फेवरेट दिवाली और लोहड़ी है। तो ये मंथ ऐसा ही निकलता है और इस टाइम कोई व्लॉग वगैरह नहीं कर पाता मैं बिकॉज़ ये टाइम मैं फुल इन्जॉय करता हूँ और इस महीने पार्टीज़ वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब हम लोग काम पर ध्यान देने वाले हैं और अब रेगुलर व्लॉग्स आने वाले हैं और जो भी फिटनेस से रिलेटेड होंगे या ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह होंगे तो सभी मैं अब रेगुलर पोस्ट करने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको वीडियो का अपडेट लगातार मिलता रहे। और ये वीडियोज़ अर्ली मॉर्निंग की है और काफ़ी मज़ेदार था, मॉर्निंग में सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे और मॉर्निंग में भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ दिन का। Should I take it or leave it out? It got me thinking now, and I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a blue. Yeah. Oh, घर पे पूजा भी रखी हुई थी because sister के baby हुआ था और तो ये लास्ट मंथ फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भरा हुआ था बिकॉज़ काफ़ी खुश थे सभी लोग और लास्ट मंथ काफ़ी इंजॉयबल था हमारी फैमिली में, सारे खुश थे। तो भाई अभी करंट फिजिक जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है बिकॉज़ ये लास्ट मंथ जो था दिसंबर और जनवरी का बहुत उल्टा सीधा खाया और अभी विदाउट वर्कआउट कंडीशन ऐसी है कुछ बॉडी की। थर्ड काफी आ चुका है चेस्ट पे, तो अभी वर्कआउट और डाइट वगैरह प्रॉपर दोबारा से स्टार्ट करनी है और अच्छी रखनी है ताकि जल्दी से जितनी भी गड़बड़ हुई है फिजिक को लेकर वो जल्दी सही हो जाए। और रेगुलर मील प्लान्स और वर्कआउट प्लान्स अब मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से, तो कल से स्टार्ट होगा अपना वर्कआउट। और तो भाई वो फिजिक की बात करें तो डेढ़ महीने पहले कुछ ऐसी दिख रही थी फिजिक, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली थी, बट यही है कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और जहाँ पे आपने थोड़ी सी गड़बड़ की आप वहीं पे आ जाते हैं। तो एक महीना डाइट नहीं हुई मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुई और उसका रिजल्ट यह है कि काफ़ी फैट आ चुका है और अब मेरे को दोबारा से वही कंडीशनिंग अचीव करनी पड़ेगी। तो भाइयों अगर बात करें 2023 की तो मेरा बहुत अच्छा निकला है 2023 एज़ कम्पेयर टू 2021-22 और ये एक्सपेक्टेशन है कि यार 2024 और भी ज़्यादा बेटर निकलेगा। बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने विजन को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है और उसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और अब जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो रेगुलर आएंगे जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया और ट्राई करूँगा कि वीक में 3 या 4 व्लॉग्स डालूँ एटलीस्ट। रेगुलर ब्लॉग डालना इतना इजी नहीं होता है बिकॉज़ यार एडिट भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, वर्कआउट भी करना पड़ता है, तो इतना टाइम होता नहीं है, बट एटलीस्ट 2 to 3 ब्लॉग्स ज़रूर आएंगे वीकली। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मैं तो है ही नहीं। करो स्टार्ट। है नहीं। देखो इधर एक मिनट। चल चल चल। मारो फोटो 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 मेरा फोटो है। यस।